जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र के मुरादाबाद गेट में अचानक पुलिस को भीषण आग लगने की सूचना मिली। जैसे ही मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची, तब तक दो बाइक, दो चार पहिया वाहन व एक दुकान जलकर राख हो चुकी थी। इस दौरान मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बामुश्किल आग पर काबू पाया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। जिस समय आग अपना विकराल रूप ले रही थी, उस दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। आसपास के लोगों ने अपने घरों को खाली करके भाग खड़े हुए थे। जानकारी के अनुसार एक दुकान पर अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का कार्य चल रहा था, तभी अचानक लीकेज होने से एक कार में पहले आग फैली, उसके बाद आसपास खड़े वाहन भी भीषण आग की चपेट में आ गए। इस पूरे हादसे में एक दुकान समेत चार वाहन जलकर भस्म हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। वहीं अग्निशमन विभाग के CFO प्रताप सिंह ने बताया कि हम मामले की जाँच में लगे हैं और दोषियों के खिलाफ चंदोसी कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाकर आगे की कार्यवाही की जाएगी। वहीं आग पर काबू पा लिया गया है, नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। इसमें जो 4:30 बजे हमें सूचना मिली, यहाँ जो है हमारी एक फायर ब्रिगेड यहाँ पे आई और आके आग को बुझाया, तो आके देखा कि यहाँ एक वैन, अल्टो और दो मोटरसाइकिल में आग लगी है। उसको आपके स्थानीय रूप से बुझाया गया और कोई वाणी नहीं है। बाद में निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि इसमें संभवतः जो यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं सेंट्रो या ये वैन, इसमें गैस रिफिल करते समय आग लगी। बाकी और पूरी तफ्तीश की जा रही है और उनके खिलाफ जो भी होगा, खिलाफ कोतवाली में तहरीर।